नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी यूएई के दौरे पर हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी भी अबू धाबी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एलान मोदी कार्यक्रम में आए लोगों से बातचीत की, साथ ही कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देने वाले लोगों से बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं, खास तौर से यहाँ पे ये लोग हैं। मैं आप सब ये लोग भी यहाँ पे एलान मोदी में अपनी बात को रखने यहाँ पे आए हैं। आप कहाँ से हैं? वी आर फ्रॉम केरला। तो आप ओके, आप यहाँ पे खास तौर से इस प्रोग्राम के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? वी आर एक्चुअली कम्प्लीटली एक्सपर्ट्स ओवर हियर, वर्किंग ओवर हियर, एंड वी हैव लर्न्ड द केरला ट्रेडिशनल पंचारी मेलम फ्रॉम यूएई ओनली। दे आर आवर मास्टर्स, हरी मास्टर, Suresh Master and Mahesh Master is here, so they are the main gurus are here, and we have learned and we have made a team over here with the professional Panjari Melam teams. तो आप ये देख सकते हैं कि ये केरला के लोग हैं जो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं अबू धाबी में, और इस विशेष कार्यक्रम के लिए ये लोग आए हैं यहाँ पे। और हमारे साथ यहाँ के एक और आर्टिस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? What is your name? Srijit. How are you feeling over here while coming to have this function? Good experience. It's a great pleasure. Yeah. It's a great pleasure for us to participate on this program, and we have learned over all the students, and most probably this is a temple art, and we got a good opportunity to perform here. Any message for Modi ji? Best wishes for him. Best wishes for him. Let him rule the India for many years, many more years. So यहाँ पे और हमारे साथ एक और हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। Actually, this was the concept that we want all the local artists जिन्होंने 30-40-50 सालों से यूए की धरती पे इंडिया की संस्कृति को संभाल के रखा है, केयर करके रखा है, और हमारे बच्चे जो छोटे हैं ये इन गुरुज के साथ सीखते हैं। सो वी ऑल आर वेरी 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 हैप्पी इनको इतना बड़ा स्टेज मिला जहाँ से हमारे बच्चे उनके पास से सीख रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन द प्रोसेशन टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे लोकल यूएई के एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, एंड वी हैव गिवन चांस, इक्वल चांस टू एवरीवन जिन्होंने यहाँ पे ये धरती पे ये संस्कृति को बचाए रखा है और आगे बढ़ाए रखा है। दैट वाज थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं ये मोदीमय हो चुका है पूरा, ये जो स्टेडियम है पूरा मोदीमय हो चुका है। और एक बार हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी के लिए कोई आप सब लोग एक साथ कोई मैसेज देना चाहें तो अखिलेश मोदी। थैंक यू सो मच। और ये है मोदी के प्रशंसक, और आप आगे भी ऐसे और प्रशंसक हमारे साथ देखेंगे। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये थे सभी यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के लोग, हम आगे भी आपको लेके चलेंगे। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अबू धाबी के इस स्टेडियम से, साधना टेलीविजन के लिए। तो हमारे चैनल हेड इस वक्त अबू धाबी के एलान मोदी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको याद चले कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा मोदी के जयकारे भी लगाए गए, और हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने भी स्टेडियम की तस्वीर दिखाते हुए लोगों को उत्साह का भी को दिखाया है। देखिए आप, तो आप देख सकते हैं ये है मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह। आज ये आपको देखना पड़ेगा कि मोदी जी के लिए जो रिस्पेक्ट, जो भावना आप यहाँ देख सकते हैं, खास तौर से हिंदुस्तान का मुसलमान ये महसूस कर सकता है। ये आदरणीय मोदी जी के लिए लोगों की ये भावना है। आप ये देखिए, आज पूरे विश्व को एक नया मैसेज मिलने जा रहा है। मोदी जी किसी एक धर्म के नहीं है, वो हर धर्म के हैं, वो विकास के लिए हैं, वो मोदी जी उनके लिए हैं। आप ये देख सकते हैं ये मोदी जी का ये एहसास है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अली असगर। सर आप यहाँ मोदी जी का आप यहाँ पे अभिवादन करने के लिए खड़े हैं सर? यस। क्या कहना चाहेंगे सर मोदी जी के बारे में आप? सर बस यूएई और हिंदुस्तान का रिश्ता आबाद रहे। सर हिंदुस्तान में भी मुसलमान जो है अभी भी उनमें कुछ अलग भावना है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भावना अच्छी है सर, सबकी भावना अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये लोगों का हुजूम है, ये आप देखिए, ये खास तौर से आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं ये मोदी जी के प्रति, जो मोदी जी के प्रति जो भावना है वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। आप देखिए ये धर्म कोई भी हो, ये सब मोदी जी के प्रशंसक हैं। और आप देखिए ये सारे, वो किसी भी धर्म के लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति उनकी भावना नजर आ रही है। मोदी जी के लिए जो ये प्यार है उसका कोई आकलन नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए लोग हैं। ये आप देख सकते हैं मोदी जी के प्रति ये भावना, मोदी जी के लिए ये प्यार है, ये लगाव है। ये मोदी क्या कहना चाहते हैं, आज हम लोग के लिए मोदी आया, बहुत बहुत खुशी है। अपना अपना हम लोग मिलने के लिए यूएई आया, हम लोग बहुत खुश है। भारत रहने वाले हैं, आज हम लोग गल्फ में रहने, दुबई रहने वाले हैं, आज हम लोग बहुत खुशी है। आज हम लोग इतना खुशी है तो हम लोग भारत में आए ऐसे बोल के दिला रहे हैं। भारत माता की जय। आज आज इतने आदमी लोग देखो भाई, आप आगे भी बढ़ो मोदी जी, फिर भी एक बार मोदी जी आएगा और एक बार भी मोदी जी आएगा। भारत के लिए मोदी है, हम लोग भी लिए मोदी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये है मोदी जी के लिए लोगों का प्यार, वो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, ये मोदी जी के लिए लोगों का प्यार है। आप इसको महसूस करिए, ये मोदी जी के लिए लोगों की भावनाएं हैं, ये हुजूम है मोदी जी के लिए। ये मोदी जी का मुकाबला ये 400 पार नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये मोदी जी का, आप देखिए मोदी जी के प्रति लोगों की भावना देखिए। ये यहाँ पे हर जाति के लोग हैं, ये लगातार सिर्फ मोदी जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मोदी जी के लिए जो ये प्यार है, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ हो जिसके प्रति ये भावना ना कि सिर्फ देश में दिख रही है, पूरे विदेश के बाहर भी दिख रही है। यह है मोदी जी के लिए लोगों का लगाव, यह है मोदी जी के लिए लोगों का प्यार। आप देखिए, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक और सज्जन कहते हैं, सर मोदी जी आज यहाँ पे प्यार इतना मिल रहा है मोदी जी को, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम साक्षात मोदी जी को दर्शन इतने पास से देख सके। बहुत 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 आभारी मोदी जी का। मोदी 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 जी, थैंक यू। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्राउड इंडिया। जय हिंद मोदी जी के लिए प्यार आप देखिए लोगों का, इसका कोई नाम नहीं है। मैं आपसे बस इतना बताना चाहता हूँ, ये मोदी जी के लिए लोगों का हुजूम है, मोदी जी के प्रति प्यार है, इस प्यार का कोई नाम नहीं है। ये कोई शब्दों में बयां करने वाली बातें नहीं हो सकती हैं। आप मोदी जी का देख सकते हैं अभिवादन, लोग इनका अभिवादन जिस प्रकार से कर रहे हैं, वो धर्म कोई भी हो, ये मोदी जी के प्रति लोगों का प्यार है, लोगों के प्रति उनका विश्वास है। और जो बात मोदी जी ने कही कि जो तीसरा टर्म है, जो मोदी जी के लिए जो मोदी जी से पूर्व 11वीं पोजीशन भारत की हुआ करती थी इकोनॉमी में, आप देखिए ये है मोदी जी, ये मोदी जी का आप देख सकते हैं, ये मोदी जी का प्यार आप देख सकते हैं, मोदी जी का अभिवादन लोग किस प्रकार से करना चाह रहे हैं, ये मोदी जी का अभिवादन लोग, ये लोगों की यहाँ पे महिलाओं को देखिए जो लोगों के लिए जोश है। घर घर मोदी, दुबई मोदी, यूएई मोदी, मोदी जी का बाग। आप देखिए लोगों के प्रति जो मोदी जी का प्रति जो प्यार है उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। लोग मोदी जी के प्रति कहीं ना कहीं प्यार आप हेलो मोदी, हाँ मोदी 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 आएगा तो मोदी ही, आप देखिए आएगा तो मोदी ही। जी हाँ मोदी जी के लिए लोगों का प्यार ये उमड़ रहा है, लोग यहाँ मोदी 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 मोदी, ये पूरा जोश है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक दूसरे देश में जो ये प्यार मिल रहा है, इस प्यार की कोई सीमा नहीं है। आप देखिए लोगों का हुजूम देखिए, आएगा तो मोदी है, हर घर पे मोदी। बच्चों से भी हम सुनते हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मोदी मोदी, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। हर हर मोदी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का प्यार है। अब की बार 400 के पार मोदी जी का यह प्यार है, मोदी जी का यह सम्मान है। दूसरे देश में मोदी जी के लिए लोगों की जो सोच है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की संख्या अपने सीमा से कहीं ज्यादा हो चुकी है, लोग यहाँ पे अपनी सीमा से ज्यादा यहाँ पे आ चुके हैं। और आप देखिए लोगों के लिए, लोग यहाँ रुक नहीं रहे हैं, लोग मोदी जी के प्रति
उनके पास जिस प्रकार से जाना चाह रहा है वो अपने आप में बताता है कि मोदी जी एक अपने आप में लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं मौजूद हैं, हम क्या कहना चाहेंगे मैम मोदी जी के बारे में? बहुत ही अच्छा मोदी जी, आपके लिए हम लोग का प्यार कभी खत्म नहीं होएगा, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। ये आप देख सकते हैं और ये हुजूम है, हम लगातार आपके पास ये विशेष कवरेज जारी रखेंगे। मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए अबू धाबी यूएई से। हमारा चैनल हेड इस वक्त अबू धाबी के एलन मोदी कार्यक्रम में है और साथ ही आपको बताते चले कि पीएम मोदी की कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, जहां पर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह ने, रघुवंशी ने लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। क्या कुछ कह रहे लोग सुनाते हैं आपको। देख सकते हैं ये जोश लोगों का, ये मोदी जी का जोश है, आप देखिए इस जोश को। और मोदी जी अभी यहाँ पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन आप इस जोश को देखिए किस प्रकार से, ये जोश आप देख सकते हैं। और आप देखिए ये है मोदी जी का जोश, मोदी जी का जलवा, ये आप देख सकते हैं जो भारत में कभी नहीं हुआ, ये है मोदी जी का जोश। और आप देखिए किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी है और उनसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से। भारतीय संस्कृति को अगर चाहो दिशाओं में अगर फैलाने वाला अगर किसी को श्रेय जाता है, इकोनॉमी को अगर एक अगले सिरे तक ले जाने का श्रेय जाता है, तो माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है इसके लिए। और बहुत ही अच्छा समय है, मोदीमय यूएई हो चुका है, बस यही कहना चाहूंगा। मोदीमय पूरा वर्ल्ड है भाई, पूरा वर्ल्ड मोदीमय। मोदी ने जो कर दिखाया है कोई भी गवर्नमेंट कर नहीं सकती है दुनिया की, जो उसने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जो लोगों का भला किया है, एक ही हमारा प्राइम मिनिस्टर, माय मोदी इज माय प्राइड। देख सकते हैं ये वो जोश है लोगों का और यहाँ पे मोदी जी का ये क्रेज है, आप ये देखिए इस बात को जो है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत का डंडा बजेगा और भारत फिर से राममय हो जाएगा। ये 2024 आने वाला भारत के लिए बहुत ही गर्वशाली होगा और हमें पूरे वर्ष पूरे वर्ल्ड के अंदर अब की बार चाशु, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फिर से भगवा फहराएंगे। जो आप मोदी जी हैं आप देख सकते हैं ये मोदी जी का जोश है। और हम आपको बताते चले कि ये खास तौर से इस स्टेडियम पे ये खचाखच भरा ये स्टेडियम ये बता रहा है कि मोदी जी का क्या जलवा है। ये भारत नहीं है, ये देश है हमारा, ये यूएई है, ये अबू धाबी है। और यहाँ पे आप देखिए जिस प्रकार से लोगों के लिए जो ये यहाँ पे जोश है, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिस जोश के साथ यहाँ के लोगों ने ये परिचय दिया है कि हम भारतीय हैं और हम जहाँ भी रहेंगे हम मोदी जी के लिए उसी स्वर के साथ। और सबका इस बार ये कहना है कि ये इस बार 400 पार, जी आप देख सकते हैं कि 400 पार की बात हो रही है, ये मोदी जी की, आप देखिए ये मोदी जी की बातचीत है, आप देखिए खास तौर से मोदी जी की जयकारा हो रही है हर तरफ, मोदी मोदी मोदी, ये आपने कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, आपको अभी नजर आ रहा है। यही है मोदी, यही है मोदी का जलवा, यही है बीजेपी सरकार और अब की बार 400 पार, ये बात यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, मैं जिस प्रकार से यहाँ पे स्टेडियम पे मैं हूँ, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ अभी भी समय बहुत है। जिन लोगों ने अभी भी मोदी सरकार पे भरोसा नहीं किया है उनके लिए यह समय अब आ चुका है कि उनको कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार के प्रति अपनी भावना दिखानी चाहिए। अगर वो राष्ट्रहित की बात करते हैं तो मुझे लगता है आप ये सिर्फ ये देखिए इस पूरे स्टेडियम में देखिए, ये यहाँ के सारे भारतीय हैं। भारतीय से मेरा मतलब न ये हिंदू सिर्फ नहीं है, न ये उत्तर भारतीय है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। यहाँ पे हर वर्ग के लोगों की यहाँ पे संख्या है, आप देखिए आप देख सकते हैं ये है मोदी का जलवा और ये है आप देख सकते हैं मोदी का किस प्रकार से यहाँ पे अभिवादन किया जा रहा है। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अबू धाबी से, यूएई से, साधना टेलीविजन के लिए। तो अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अबू धाबी के सेंट रेगी होटल्स, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी को अबू धाबी की सरकार ने ठहराने का भी इंतजाम किया, जहां से हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पीएम के ठहरने को लेकर जानकारी भी दी है।
तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं, ये सेंट रीजिस होटल है जिस होटल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुके हैं। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं, ये आप देखिए कि किस प्रकार से ये आपको बताते चलें कि होटल सेंट रेजिमेंट जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। दरअसल आप तस्वीरें देख सकते हैं अबू धाबी की, जहां पर एलन मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां पर हर वर्ग के लोग उस स्टेडियम में देखे गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आप होटल देख सकते हैं जहां पर पीएम के स्टे की व्यवस्था की गई थी। तो बढ़ते आगे आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 जोड़ों का विवाह और साथ ही 252 करोड़ रुपए की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम 14 फरवरी 2024 को गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से विवाह के लिए दहेज न लेने और न देने का संकल्प कराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले की कुप्रथाएं महिला विरोधी थी। भारत माता की बसंत पंचमी के आज के इस पावन पर्व पर गोरखपुर में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 252 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री बिपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 जोड़ों के साथ ही वर और वधु पक्ष से उपस्थित सभी बहन और भाइयों, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। प्रकृति आज अपने सौंदर्यता के चरम की ओर अग्रसर होते हुए आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस अवसर पर 1000 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दांपत्य जीवन में प्रवेश करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए इन सभी 1000 नौ दंपतियों को उनके नए जीवन की हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में एक सतग्रस्त के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वह अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप
किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई, कहीं पे बहुत विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई, यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी, और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही न बेटी हो ही ना इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया, बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी और फिर अपना योगदान देश के लिए समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं पूरे परिवार की और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था तब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास। फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।